बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आपको खुश आमदीद। आज बहुत ही आसान सी रेसिपी है आपके लिए। जो लोग आटा गूंदने से थोड़ा टेंशन का शिकार होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये। एंड तक वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो कुछ ये है कि मैं आज आपको टोटीला ब्रेड की रेसिपी दूंगी, जो कि बग़ैर आटा गूंदे आप बहुत ही सॉफ्ट रोटी बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही इजी रेसिपी है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप मैदा, 1/4 कप गंदम का आटा। आप चाहें तो सारा मैदा ले लें, चाहें तो सारा गंदम का आटा ले लें। गंदम का आटा लेंगे तो गंदम के आटे में ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा मिलेगा, सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने आधा आधा ले लिया है तो मैं इन दोनों को जो है मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट आप रोटियाँ बना लेंगे बहुत सारी। और यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच भर के मिल्क पाउडर। ऑप्शनल है, मर्ज़ी है, डाल सकते हैं, नहीं तो ना डालें, डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और 2-3 चुटकियाँ नमक हैं, नमक आप जो है ना हसबे ज़रूरत ले लें, जितना आप खाते हैं उतना। अच्छा, अब हमने ये करना है कि इसमें डालना है 1 खाने का चम्मच ऑयल। लेकिन पहले हम इसमें पानी डालेंगे। पानी जितना आटा है, यानी कि मैदा और आटा मिलाकर जितना है उसके दुगनी मिकदार में हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें मैं 1.5 कप पानी डालूंगी। तो पहले मैंने 1 कप डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे, लम्स ना पड़े। उसके बाद मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। कंसिस्टेंसी मैं इसकी बता दूंगी आपको, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने तवा रखा हुआ है गर्म होने के लिए, तो मैं आपको बता दूंगी किस तरह हम इससे रोटी बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने 1 कप पानी डालकर इसको घोल लिया। अब मैं 1/2 कप पानी जो है मज़ीद डाल रही हूँ, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लम्स के बग़ैर हमें, लम्स फ्री हमें चाहिए पेस्ट, ठीक है। 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल या मक्खन या बटर जो भी आप डालें, घी डालें, इससे रोटी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। अच्छा, इसके इसमें आप फिलिंग भी डाल सकते हैं, कुछ और मसाला जात, कुछ बारीक चॉप करके सब्जियां, लहसुन भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल रोटी बता रही हूँ, ठीक है जी। लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। देखिए कंसिस्टेंसी देखें आप इसकी, मैं इसको अच्छे से लम्स फ्री कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि यह मीज़ा देखें कितना स्मूथ गिर रहा है। तो तवा हो गया है गरम, जितनी मर्ज़ी आप बड़ी रोटी बनाना चाहते हैं रोटी बना लें, पतली बनाना चाहते हैं छोटी बनाना चाहते हैं छोटी बना लें। इस तरह डालने के बाद इसको, ठीक है, जितनी आपका दिल करता है आप इसको बड़ी कर लें, ठीक है। थोड़ी देर पड़ा रहने दें, फ्लेम को जो है ना वो मीडियम ही रखना है। थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दें, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। रोटी को हमने पलट दिया है बहुत आराम से, और इस तरफ भी हल्का सा सिकाई करेंगे। और फ्लेम को जो है हमने ज़्यादा नहीं करना, दरमियाने साइज़, दरमियानी ही हीट रखनी है हमने, क्योंकि इसकी बस ज़्यादा सिकाई नहीं करेंगे हम, हल्के हल्के से इसकी सिकाई करेंगे। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह रोटी जो है इसी तरह उल्टा सीधा करके इसको अच्छा सा सिकाई कर लेंगे, ताकि रोटी कहीं से कच्ची ना रहे हमारी। तो ये हमारी टोटीला ब्रेड जो है बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, हर कोई बना सकता है। मर्द हजरात भी बना सकते हैं जो कि आटा नहीं गूंद सकते, जिनको आटा नहीं गूंदना आता, बच्चे भी बना सकते हैं जब उनकी मदर वगैरह नहीं होती घर में, कभी कहीं गई हुई होती हैं, लेट हो जाती हैं, शॉपिंग पे होती हैं, तो बच्चे जो होते हैं अक्सर भूख भूख कर रहे होते हैं, तो वो खुद भी बना सकते हैं। इस तरह आटा नहीं गूंदा होता अक्सर, या उनको आटे की रोटी नहीं बनानी आती। तो आप देखें कि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पतली सी रोटी बनी है, और इसकी जो है सॉफ्ट है रोटी बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट टाइम जो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें वेरिएशन क्या क्या कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इसको मज़ेदार बना सकते हैं, जायकेदार बना सकते हैं, फ्लेवरेबल बना सकते हैं, इसमें किस तरह फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आपने साथ साथ रहना है मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो
इसी तरह की अच्छी सी वीडियो अपलोड करूँ, यूनिक सी वीडियो अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। तो मैं आपको बताऊंगी इस रोटी की सॉफ्टनेस कितनी है। तो तमाम जगह से अपने इसको अच्छा सा सेक लेना है। देखें कि किस तरह मैं इसकी सिकाई कर रही हूँ, ये देखें, बस हल्के हल्के से इसकी आपने सिकाई कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट रोटी हमारी बनी है, झटपट रोटी बन जाती है। टेंशन ही नहीं है कि आटा गूंदें फिर आटे को थोड़ी देर के लिए रखें ताकि वो सेट हो जाए, उसके बाद हम उसके पेड़े बनाएं, बेलें और फिर हम रोटी बनाएं। फटाफट आपने घोलना है, बस पेस्ट बनाना है और तवे पे डालना है और बस रोटी आपकी तैयार है। ये देखें कितनी प्यारी, कितनी सॉफ्ट और नरम नरम सी। और ठीक है, ये रोटी हमारी तैयार होगी। इसको उतार के हम रखते हैं किसी कपड़े पे और मैं आपको एक और रोटी, फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे, इसी तरह हम बीटर उठाएंगे थोड़ा सा और डालेंगे रोटी को। जितना आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ही आराम के साथ आप तमाम रोटियां बना लें। थोड़ी देर पड़ा रहने दें, फिर हम पलटाएंगे इसे। किनारों से हल्का हल्का सा छुड़वा लें ताकि आप आराम से रोटी को पलट सकें। ये देखें बहुत ही आराम के साथ आप इसको पलट सकते हैं। किनारे रिमूव करने होते हैं बस इसके, तो हम रोटी को पलट लेते हैं। रोटी एक तरफ से हमारी जो है वो सिक गई है, हम रोटी को पलट लेते हैं। ये देखें, ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको सिकाई कर लेंगे जिस तरह हमने पहली रोटी की सिकाई की थी। इस तरह हम तमाम रोटियां बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये रोटी भी हमारी तैयार हो गई है, सिक गई है अच्छे से, और ये रोटी भी हम इस जगह रख लेते हैं और तमाम रोटियाँ इसी तरीके से तैयार करती हूँ। फिर आप लीजिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम ही टोटीला ब्रेड जो है वो तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको बाद में तल भी सकते हैं, घी लगाकर फ्राई भी कर सकते हैं। पहले से बना के रख लें तो ये बिल्कुल भी जो है अकड़ेंगी नहीं, सख्त नहीं होंगी और बहुत ही सॉफ्ट हैं। अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसके अलावा जो नए आने वाले हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। इतनी आसान, इतनी सिंपल रेसिपी के लिए लाइक का बटन दबाना तो बनता है। और एंड तक वीडियो को देखिए, देखा करें। और तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि प्लीज़ मेरा वॉच टाइम पूरा करने में मेरी मदद करें ताकि मेरा जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए। मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।